पाकिस्तानी सियासत में तहलका मचाने वाले मेमोगेट स्कैंडल के मरकजी किरदार मंसूर एजाज ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। अकरम शेख एडवोकेट ने कहा है कि मंसूर एजाज को पाकिस्तान बुलाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ को खत का अभी तक जवाब नहीं मिला, उनके मुवक्किल का लंदन या ज्यूरिख से कमीशन बयान रिकॉर्ड किया जाए। कमीशन को शहादत के लिए किसी को भी तलबी का अख्तियार हासिल है, ताहम मंसूर एजाज का बयान बैरून मुल्क जाकर रिकॉर्ड करने में कोई हर्ज नहीं। आईनी और कानूनी माहरीन की वक्त न्यूज से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखला रहमान मलिक ने कहा है कि हुकूमत ने मंसूर एजाज को सिक्योरिटी की मुकम्मल यकीन दहानी कराई थी, मंसूर एजाज बेनकाब हो गए और उसके ड्रामे का सीन ड्रॉप हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हामिद मिर्जा ने कहा है कि नई इंतखाबी फेरिस्तें मई में मुकम्मल होंगी, लिस्टों में ताखीर के जिम्मेदार अदालत को जवाब दे हैं। नून लीग के रहनुमा इकबाल जफर झगड़ा की मीडिया से गुफ्तगू। बाबरा की निजकारी के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुलाजमीन की मुकम्मल हड़ताल, दफातर की तालाबंदी, हुकूमती इकदाम के खिलाफ एहतजाज। बालाई पंजाब, शिमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकाम पर बारिश, मुल्क की हसीन वादियों में बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। और चीन में मौसम बहार पर रिवायती जोशो खरोश, हर तरफ फूलों की बहार, मार्केट में शहरियों का रश।